अजीज़ तलबा, आज हम नंबर सीरीज़ की MCQs नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें गिवन है 1, 1, 4, 8, 9, 27 and 16, और इसके बाद कौन सा नंबर आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह हमें जो ऑप्शन गिवन है उसमें ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी हमारे पास है 12, ऑप्शन ए सी हमारे पास है 64 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 18। इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर एक छोटा सा लॉजिक है, हमने वन से स्टार्ट करना है और नेचुरल नंबर, और उस एक एक नंबर का हमने एक बार स्क्वायर लेना है और फिर एक बार उसकी क्यूब लेनी है, क्योंकि वन की अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो वन ही आता है। इसी तरह वन की अगर हम क्यूब ले लें तो उससे वो वन ही आता है। इसी तरह हम टू अगर ले लें तो उससे फोर आता है। इसी तरह अगर हम टू की क्यूब ले लें तो उससे हमारे पास एट ही आता है। इसी तरह अगर हम थ्री की स्क्वायर ले लें तो हमारे पास नाइन आता है, और अगर हम थ्री की क्यूब ले लें तो हमारे पास 27 आता है। इसी तरह अगर हम फोर की स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 16 आता है, और अगर हमारे पास इधर फोर की हम क्यूब ले लें तो हमारे पास क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम फोर को तीन बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आएगा। तो राइट आंसर इज़ 64। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है 64, और इसको हम इधर लिखेंगे। तो इसी तरह हमने सॉल्व किया अपने MCQs को। कहीं से हमने सीरीज़ में दो नंबर लिए, एक का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, फिर वही नंबर टू उसका स्क्वायर और उसकी क्यूब, फिर हमने थ्री लिया उसकी स्क्वायर उसकी क्यूब, फिर हमने फोर ले लिया तो इसमें हमारा 64 ही आता है। तो ये हो गई राइट आंसर। सिंपल लॉजिक है, आप थोड़ा सोचिए, इंशाल्लाह आपको ये समझ जल्दी आ जाएगी।